कई बार भूत शरीर कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जहां पर हंसी भी आ जाती है लेकिन जायज भी होते हैं। खैर, पिछली बार भले ही भूत शरीर पर लोगों ने उंगलियां उठा दी थी लेकिन इस बार ऑप्शन जो है उन्होंने सोच समझ कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि भूत सेलेक्ट ने इस बार कौन सा जो सवाल है वो पूछ लिया है। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के जो ऑफिशियल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट्स आती हैं, ये वुड सेलेक्ट और दूसरा होता है कलर्स चैनल, इन दो के सोशल मीडिया से आती है। और वुड सेलेक्ट ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आपको वुड सेलेक्ट पर आपको लाइव बिग बॉस देखने को भी मिलता है। साथ ही इनके क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ टास्क होता है, आपने भाई कल शाम 6 बजे लाइव टास्क भी देखा है वुड सेलेक्ट पर। तो यहाँ पर दरअसल वुड सेलेक्ट एक सवाल लेकर आया जिसमें था कि बिग बॉस सीजन 14 का सबसे बड़ा फ्लिपर कौन है, यानी कि जो अपनी चीजों में फ्लिप कर देता हो। पहला ऑप्शन था निकी तंबोली, दूसरे थे यहाँ पर देवोलीना भट्टाचार्य, तीसरी थी अर्शी खान और चौथे नंबर पे थी राखी सावंत। जी हाँ, इन चार लोगों में से बताना था कि आखिरकार कौन है बिग बॉस का सबसे बड़ा फ्लिपर। वेल, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपको बता दूं कि एक नाम मुझे एक्सपेक्टेड था लेकिन बाकी पे मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि आए हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा फ्लिपर कौन, किसको वोट दिया गया है, तो वो है निकी तंबोली, जिन्हें मिले हैं 57 वोट्स। जी हाँ, 57% वोट्स मिले हैं। वेल, सेकेंड नंबर पर है देवोलीना भट्टाचार्य जी, जिन्हें मिले हैं 19% वोट, और बाकी अर्शी खान और राकेश सावंत को मिले हैं। मुझे तो लगा था फ्लिपर सबसे बड़ा अर्शी खान को होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की राय क्या है, आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा है सबसे बड़ा फ्लिपर, कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।